हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के टाइम से और अभी ना इतनी बढ़िया धूप लग रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। अभी नहाया वगैरह कुछ नहीं, नहाना धोना कुछ नहीं हो रखा है, बस झाड़ू पोछा पानी भरना। तो मौसम दिखाती हूँ सबसे पहले, और काफ़ी टाइम बाद ना आज मैं ब्लॉग सुबह सुबह शूट कर रही हूँ। तो मौसम कुछ इस टाइप का हो रहा है। अनु को देखो, इसने ना वो मॉन्की वाली टोपी पहनी है और उसको खोलने का नाम नहीं ले रही है। बाकी आज बहुत टाइम के बाद, मतलब जो ये सीजन का है ना, पहली बार भट्ट की चटपानी हम बना रहे हैं। तो ये देखो, ये है काले और सफ़ेद मिक्स भट्ट है, यानी कि सोयाबीन की दाल, इसकी चटपानी बनाएंगे। और अभी तो हमारे नए भट्टे निकले नहीं है ना, मतलब निकल गए हैं, उनको चूटना है, मतलब जो पौधे होते हैं ना उनसे अलग करना है। बाकी ये पुराने भट्ट हैं, तो इन्हीं को चढ़का के हम आज इसकी दाल बनाएंगे। ये उठ रहे, इसे देखो तो उठ, तो साफ करने दे। तो इसमें ना बहुत बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, क्योंकि जब इनकी चुटाई होती है ना, उस टाइम पे जैसे कहीं मिट्टी वाले एरिया में अगर चुटाई करो तो ऐसे पत्थर आ जाते हैं। इस वक्त मैं आ गई हूँ अपने किचन में और हम लोग गैस पे ये चीज़ बनाएंगे, क्योंकि ना आग नहीं जली है। आग जलाने के लिए चूल्हे की लिपाई करनी है और वहाँ पर ना अंधेरा सा भी आता है, तो इसलिए हम गैस में ही बनाते हैं। और हमेशा दाल चावल हमारा गैस में ही बनता है, तो अब आदत ही हो गई है गैस में ही बनाने की, तो गैस पर ही बनेगा। तो आग तो हमने बाहर पे भी जलाई है, लेकिन यहाँ पे नाली है ना, यहाँ पे बना नहीं सकते। तो ये अच्छे से साफ़ कर लिए मैंने, बस इतने से भट्ट की आवश्यकता होती है। तो गैस में कढ़ाई रखते हैं और इनको चढ़का लेते हैं सबसे पहले घी में। मैं तो सोच रही थी आज दूध लेने जाऊँगी, लेकिन दूध सुबह ही आ गया है, दूध लेने की टेंशन ख़त्म। तो जब भी हम भट्ट की चटपानी बनाते हैं या आप लोग बनाते हैं ना, उसको घी में चटकाया करो, इतना टेस्टी बनता है। और भट्ट की चटपानी, गहत की चटपानी जितनी टेस्टी दाल तो और किसी की हो ही नहीं सकती है। और जो ये है, ये पहाड़ी स्पेशल दाल है, मतलब पहाड़ों में ना ज़्यादातर ये सर्दियों में खाई जाती है। और सर्दी स्टार्ट हो गई है, मतलब सुबह शाम बहुत ठंडा हो रहा है। मुझे तो अपने घर में ना बहुत ठंडा लगता है, मैं दो दो स्वेटर पहन के रखती हूँ, अभी नहीं पहन रखी है। भले ही डाल देते हैं, गैस को कम कर देंगे। इनको कम आंच में ही रोस्ट करना है, और जैसे ही रोस्ट हो जाते हैं ना, इनको निकाल देना है, फिर इसमें करनी है आधी की प्रोसेस। हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते दोस्तों, इस वजह से ना सिर्फ टमाटर ही डालूंगी मैं। तो चटकने लग गए, देखो बीच बीच से क्रैक आने लग गया है। तो इसके बाद मिर्ची का तड़का लगा के अब इसमें ना मैं एक दाना टमाटर डालूंगी, क्योंकि टमाटर बहुत महंगा है, 100 रुपये किलो, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, ये भी छोटा ही दाना था। मैं दुकान पे गई थी ना, वहाँ मुझे छोटे छोटे ही दाने मिले और बड़े दाने थे ही नहीं। एक तो 100 रुपये किलो टमाटर हो रहा है, ले जाने वाले ले गए होंगे बड़े बड़े दाने। तो इसमें सारे मसाले, हल्दी मसाला, नमक और जो जीरा मसाला, धनिया मसाला होता है ना, सब डाल दिया है। और अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इस पर ना बेसवा डालूँगी आटा। तो इसमें ना आटे का बिस्वा डाल के अच्छे से भून लिया है, और उसमें मैंने अब ऊपर से भट्ट भी डाल दिए हैं। और ना इतने से भट्ट मैंने अपने खाने के लिए निकाल दिए, क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, पूछो मत। तो अब इसमें ना पानी डाल देती हूँ, और चूल्हे से दूर पहुँच जाती हूँ, उसका थोड़ा पानी काफ़ी है। ये देखो, दो लोग के लिए, मम्मी और मैं। तो मैंने ना चावल भी बीन लिए हैं, इसमें जितने भी वो पत्थर, वैसे तो कुछ नहीं था, बीन लिए हैं। अब इसे भी माज में रख देती हूँ, इसको ना इंडक्शन में रखूँगी। सुबह तो हमने दाल चावल खा लिया था, अब फिर ना वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि नहाया नहीं था, फिर लेट नहाया, और अभी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। अब बर्तन पोछा भी सब हो गया, अभी ना दिन का खाने का टाइम हो गया, 12:30। तो जल्दी से अपने लिए दिन का खाना बनाती हूँ। खाने में सोच रही हूँ ना, पिछले दिन मेथी लेके आई थी मार्केट से, इसी को तड़का लूँ और रोटी बना लूँ। बाकी चावल तो सुबह खा ही रखे हैं, और कपड़े धुल रहे हैं मेरे मशीन में। बाकी बाहर इतना ठंडा हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा, धूप ही नहीं आई है और हवा अलग से चल रही है। तो अनु को बाहर बैठा के आई हूँ, और नीचे पे ना हमने मड़वा भी सुखा रखा है, उसे जो है एक बार मम्मी ने बोला था अडोल देना, और एक बार नीचे चलते हैं देख के आते हैं। पहले रोटी बनाती हूँ और फिर नीचे जाएंगे और देख के आते हैं मड़वे के क्या हाल हो रहे हैं, अच्छे से सूख गया या नहीं। मैं जब भी हरी सब्जी बनाती हूँ ना, उसमें कोई मसाला नहीं डालती, कोई हल्दी नहीं डालती, मैं सिर्फ नमक डालती हूँ। मुझे ना नमक के साथ हरी सब्जी अच्छी लगती है, अभी भी मैंने सिर्फ नमक डाल रखा है। और इसके साथ मैं थोड़ी सी मट्ठा और दही को मिक्स करके गर्म करूँगी, वैसे तो मट्ठा है नहीं, दही गर्म करनी पड़ेगी।
तो मुझे ना नमक ही डाल के हरी सब्जी बहुत बढ़िया लगती है। कुछ लोग होते हैं ना मिर्च वगैरह डालते हैं, मिर्च भून के अच्छी तो होती है पर मैं मिर्च नहीं खा रही हूँ, ओनली नून नून। और वैसे भी हरी सब्जी में अगर बाहर के मसाले डल गए ना फिर उसका टेस्ट नहीं आता है। तो गाय को ना पानी वानी भी दे दिया है मैंने, अभी 2:30 बज रहे हैं तो पानी दे दिया, घास दे दिया और कन्ना भी आज अभी पहुंचा दिया। शाम को ना इतनी आफत आती है, फिर मुझे आज ना एक जगह जाना है, वहाँ घूमने के लिए नहीं जाना है, मुझे सामान लेने जाना है। मेरी कुछ रिपोर्ट्स थी ना जो कि हॉस्पिटल में ही रह गई थी, मैंने चाचा से मंगाई हैं, तो मुझे फिर से मतलब वो लेके जाना है, लेके आना है यहाँ से। दोस्तों लौकी की बेल में इतनी सारी लौकी लगी हुई थी बट सब ने खाई, इस बेल में से हमने भी खाई। दोस्तों असौज के महीने में ना इतनी सुनसानी रहती है, पूरा गांव सुन्न पड़ रखा है, सब लोग अपने अपने मांगों में गए हैं घास काटने के लिए और गांव बिल्कुल सुनसानी हो रखी है, हल्ला गुल्ला हो ही नहीं रखा है। और जैसे असौज ख़त्म होगा ना वैसे आज ख़त्म हो गया है, आज से ना वो लग गया है मंगसिर लागो कार्तिक, दिवाली का महीना लग गया है और ज़्यादातर लोग का तो कट गया होगा लेकिन कुछ लोगों का कटा नहीं होगा, तो इस महीने के आधे आधे होते होते ना कट जाएगा सबका घास दिवाली आते आते, बाकी फिर चहल पहल हो जाएगी गांव में। ये है हमारा मडवा और अच्छे से सूख गया है, इसको ना उलट पलट करना था, सो भी गया है अब। तू क्या कर रही है, चल 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 चलते हैं, तो इतना सा हो रखा है। तो दोस्तों कल ना मैं अपनी जो करवा चौथ की शॉपिंग थी वो दिखाने वाली थी इस व्लॉग में, लेकिन मैं फिर ना तबीयत थोड़ा सा अप डाउन होती रहती है तो फिर मैं नहीं दिखा पाई, तो अभी रुको टीवी की आवाज़ कम करती हूँ पहले। और प्राप्त की रक्षा करूंगा, तुम केवल निश्चिंत होकर मेरा चिंतन करते हो, चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन। ख़त्म ही होने वाला था तो हाँ मैं आपके साथ ना इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने करवा चौथ में क्या क्या लिया है। वैसे तो साड़ी ले रखी है, ब्लाउज़ अलग से ब्लाउज़ का पीस ले रखा है, वेलवेट ब्लैक कलर का वेलवेट का, और वो सब तो सिलने के लिए गए हुए हैं। तो साड़ी तो मैं अभी दिखा नहीं सकती, वो करवा चौथ के दिन ही आने वाली है क्योंकि ना मैं यहीं पर दे रखी है बगल में जो टेलर है ना उन्हें, और मार्केट में नहीं दी वरना तो बहुत टाइम लग जाता सिल के आने में। तो क्या कहते हैं, मैं ये कहती ना जो जो चीज़ें और मैंने ले रखी हैं देने वाली वो दिखा देती हूँ। और साड़ी तो वैसे मैंने दिखाई रखी है, उन्हीं में से एक ले रखी है, 4-5 साड़ियाँ जो दिखाई थी ना उनमें से एक साड़ी मैंने ले रखी है। तो जो सामान मैंने करवा चौथ में ले रखा है वो दिखाती हूँ। तो ये वो सामान है जो मैंने करवा चौथ के लिए ले रखा है, अनायक के लिए एक ड्रेस खरीदी और 5 नेल पेंट ये देने के लिए हैं और मेहंदी लगाने के लिए है, और अपने लिए बढ़िया से कड़े खरीदे हैं इस बार मैंने, अभी मम्मी जी के लिए भी कड़े लाने हैं, और ये मैंने 2 क्लेचर लिए और अपनी बहन और मम्मी के लिए बिच्छू ले रखे हैं, मम्मी के लिए मांग भरने वाला, बाकी ये दूंगी सबको, मांग भरने वाले हैं ये भी। और ये बिंदी के पत्ते हो गए, ऐसा लग रहा है ना कुछ मिसिंग है। और ये वो वाला सामान है दोस्तों, व्रत करूँगी तो ये सारा सामान ज़रूरत का है, जो भी करवा चौथ पूजा में लगता है ना वो देख लो, ये तो आप सबको पता ही होगा क्या क्या है, मैंने खुद नहीं देखा है इसमें क्या क्या है करके, करवा और वो सीख पता नहीं क्या क्या है। बाकी जो करवा चौथ की प्लेट होती है ना वो मैंने ले रखी है, पिछले बार ले रखी थी, उसको पेंट करने वाली हूँ, पेंट भी ले रखा है, अभी 2 दिन 1 दिन बच रखा है, पता नहीं कब पेंट होगा, कब अपन बनेंगे, तो आज करूँगी ये सारा काम, पेंट आज दिन में पक्का करना ही करना है। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको कैसे मैंने पेंटिंग करी है उसमें। तो ये हो गया मेरा करवा चौथ का सामान, अभी साड़ी दिखाती, तो साड़ी तो सिलाई के लिए गई हुई है। हाँ ये कड़े कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर, मुझे ना रेड कलर में लेने थे बट मैंने कहा यार ये भी अच्छे ही लग रहे हैं तो मैंने ये ले लिए, ये पता है 60 रुपीज़ के हैं और अच्छे हैं, मतलब इतने बुरे भी नहीं हैं, जैसे कभी एक रेड यहाँ लगा लिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और बीच में, ये अच्छे लगेंगे। बाकी आज हमारी खीर बन रही है और ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर यही सब था मेरा करवा चौथ का सामान, ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, वैसे तो कर सकती थी बट मैंने नहीं किया ज़्यादा खर्चा, मैंने 2,500 में सब कुछ ले लिया है। और साड़ी मेरी है 1600 की जो कि मैं अब कल को ही दिखाऊंगी परसों को, वेलवेट का ब्लाउज अब वो तो पता ही आपको कितने का बनता है। एक कमेंट आया था कि आप लोग ना करवा चौथ सिर्फ साड़ी के लिए करते हैं, बट ऐसा भी है कि साड़ी साल में एक बार ले रहे हैं अपने पसंद की, अपने मतलब ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है ना, डेली तो हम साड़ी लेते नहीं हैं। हाँ मम्मी आ जा बुग्गी,
जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, तेज आ, जल्दी आओ ना। हाँ, और एक कमेंट ये था कि आप वट सावित्री का व्रत करती हैं या नहीं, ये भी बताना। तो रिप्लाई जरूर करना करके बोला था। तो वट सावित्री का व्रत मैंने एक व्रत किया है अभी तक, शादी के वैसे 2 साल हो गए, पिछली बार अनाया होने वाली थी तो नहीं किया। तो वट सावित्री का व्रत भी करती हूँ और करवा चौथ का व्रत भी करती हूँ। और ये व्रत तो मैं आज इस बार जो करूँगी ना, मतलब पिछली बार जो मैंने किया था 2 बजे तक का रखा था, 3 बजे तक, इस बार भी 3 बजे तक करूँगी क्योंकि अनाया दूध पीती है, नहीं हो पाता है। तो फिर वीडियो को एंड करती हूँ। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय सीता मैया की, बाय।